जेलों में सड़ रहा है और 16 महीने हो गए हैं उसको दुबई के जेल में। ये उनके पिताजी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ हैं, ये उनकी वाइफ है। रो करके इनका बुरा हाल है। आगे आ जाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, इनका रो रो करके बुरा हाल है। रो रो करके पूरा चेहरा फूल गया है। ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनके वालिद हैं। देखिए, मतलब रो रो करके इतना बुरा हाल है। आखिर क्या वजह है कि आनन फानन में? हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अभी ओमान में जॉब करता हूं और मैं हर फ्रॉड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं। आप लोग गल्फ आने के लिए जल्दबाजी ना करें दोस्तों, पहले आप लोग उस एजेंट के या उस ऑफिस वाले के बारे में 2-4 दिन पता लगाइए। क्या ये ऑफिस वाला या क्या ये एजेंट और किसी को गल्फ में भेजा है कि नहीं, पहले आप लोग 2-4 दिन पता लगा लोगे तो आप लोग को पूरा मालूम चल जाएगा दोस्तों। आप लोग जब जल्दबाजी करते हो ना तो आप लोग को 700% फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। ये एजेंट लोग ज़्यादा फ्रॉड करते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपको कंपनी में भेज रहे हैं और यहाँ पे गल्फ में जब आ जाते हो ना तो आपको सप्लायर में डाल दिया जाता है दोस्तों। ऐसा ही एक वीडियो है मेरे पास, यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगा, ये आप लोग देख सकते हो। एक भाई हैं, एजेंट के द्वारा गए थे दुबई में काम करने के लिए, उनको बोला गया था हम आपको कंपनी में भेज रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको सप्लाई में डाल दिया गया था। फिर सप्लाई में से वो बाहर निकल के काम करने लगे तो घर आते वक्त अभी वो जेल में है दोस्तों। और इसमें जितना गलती एजेंट का है ना, उतना ही गलती इस भाई साहब का भी है। ये आप लोग वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको दूसरों के गलती से कुछ सीखना है, ये नहीं कि हम गलती करेंगे तभी हमको कुछ सीखना है दोस्तों, ठीक है। ये जैसे गलती है भाई साहब की है, ऐसा गलती आपको और हमको नहीं करना है दोस्तों। पहले ये आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, प्लीज। अच्छा, ये और 1500 सैलरी पर, ये हाँ। वो करते हैं प्लम्बर के काम, हमारा लड़का हाँ। कर रहा था, इसी पर बात हुआ। मैंने इनको 70-75 हज़ार रुपया दे दिया हाँ। काम कराने के लिए। काम हो गया, दोनों लड़के हमारे यहाँ से गए। वहाँ यहाँ जाने के बाद 2.5 महीना वहाँ बिजिज वीजा पर भेजा था। अच्छा, बिजिज वीजा पर इन्होंने भेजा, कहा को बिजिज वीजा से कोई लेना नहीं, हम कंपनी में बात काम कराएंगे। देखिए दोस्तों, ये एजेंट इन्हीं का गांव का है, इनके लड़के को बोला था कि हम आपके लड़के को भेज देंगे प्लम्बर के काम में और 1500 सैलरी बोला था, और ये 70 हज़ार रुपया लिया था दुबई भेजने के लिए। और जब इनको ये टिकट दिया और वीजा दिया तो इनको विजिट वीजा पर वो दुबई भेजा था, ठीक है दोस्तों। और किस काम में भेजा था वो भी आप लोग सुन लीजिए। वहाँ जाने के बाद 2.5 महीना हमारे लड़का कहीं रखा था, हाँ। 2.5 महीना के बाद में जा करके एक सप्लायर में ले करके कर दिया कि 1500 के सैलरी पे होगा। अच्छा। जब सैलरी के काम आया, काम पर आया तो काम माटी खुदाई पर लग गया, लगा क्या। देखिए दोस्तों, 2.5 महीना तक वो रखा था, जब 2.5 महीना के बाद उसको काम भी दिया ना दोस्तों, तो सप्लायर के काम में दिया और यहाँ पे बोला था कि 1500 सैलरी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कितना सैलरी दे रहा था ये भी आप लोग सुन लीजिए, ये चाचा क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लम्बर में भेजे थे, वहाँ माटी की खुनाई कर रहा। एजेंट बताया था कि प्लम्बर के काम, प्लम्बर में हमने कह करके दिए थे, उन्होंने कहा कि 1500 सैलरी लगेगा। हाँ, 1500 सैलरी मिला या नहीं? नहीं नहीं, ये वहाँ 800-900 के सैलरी लगा। अच्छा। माटी की खुनाई, यानी एजेंट झूठ बोल करके, झूठ बोल करके भेजवाया। वहाँ जाने के बाद जब वो 3-4 महीना वो कंपनी में किसी तरह किए, उसके बाद वहाँ से भाग के लिए जब हकामा मिला तो उन्होंने कहा कि तब कहीं बाहर जाकर कमाएंगे तो हमारे बाल। ये देखे दोस्तों, यहाँ पे बोला था कि 1500 सैलरी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जब दुबई में वो भेज दिया था तो सप्लाई में डाल दिया था और माटी खोने का काम दिया था और सैलरी वो 800 रियाल दे रहा था दोस्तों। बताओ 800 रियाल में अभी कैसे गुजारा कोई कर सकता है दोस्तों? जो इंसान 70 हज़ार रुपया निकाल के यहाँ पे कर जाया है दुबई में, कुछ सपना लेकर आते हैं, कोई भी हो, हम है या कोई भी इंसान, कुछ सपना ही लेकर गल्फ में आते हैं कि हमारे घर का स्थिति थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे एजेंट फ्रॉड कर देते हैं कि हमारा जो जिंदगी रहता है ना वो भी तहस नहस बन जाता है दोस्तों। और ये गलती क्या किए हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए, इनका भी गलती आप लोग को सामने हम बता देंगे, एक कौन सा गलती किए कि अभी तक 16 महीना से जेल में बंद है दोस्तों, ठीक है। बाहर गए और उसके बाद वहां जाने के बाद फंस गए,
कुछ दिन काम किए, 3-4 महीने के बाद वो जेल चले गए। अच्छा। बोले कि हम घर जाएंगे तो जो काम करा था चलो हम भेजवा देंगे। उन्होंने गया वीजा अथी क्या ना पासपोर्ट मंगवाया कंपनी से, कहा चलो तुम्हारा देखते हैं अथी कोर्ट में वीजा अथी करा करके आप भेजवा देते। वहाँ गए तो वहाँ फंस गए, जेल में चले गए। तो बोला चलो तुम 10-15 दिन लगे। ये देखे दोस्तों, सप्लायर में ये 4 महीना काम किए, लेकिन जब इनका हकामा बन गया दोस्तों ना, सऊदी में बताका बोलते हैं, जब इनका हकामा बन गया वो यहाँ से भाग गए, बाहर निकल के काम करने लगे। और जब बाहर काम कर रहे थे तो 2-4 महीना बीत गया, तो ये सोचे कि हम घर जाएंगे और किसी से संपर्क किए और वो कोर्ट में ले गया। तो वहाँ पे इनको बोला गया था कि आपको 15 से 20 दिन रखा जाएगा, फिर आपको ये लोग इंडिया भेज देंगे। लेकिन जब इनको पकड़ा गया दोस्तों, तो ये क्यों 16 महीना से अभी तक जेल में बंद है? असली वजह ये नहीं है कि ये बाहर निकल के काम कर रहे थे, कुछ और वजह है दोस्तों जो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या वजह है कि अभी तक ये 16 महीना से जेल में बंद है? ये वजह नहीं है कि ये बाहर निकल गए और काम करने लगे, इसके लिए 16 महीना से जेल में बंद है, ये वजह नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो भी वजह आपको मालूम चल जाएगा दोस्त। दूसरे आदमी से कांटेक्ट करके करता है कभी कभी, 3 महीना 4-4 महीना वो फोन करता है और कहा अबू जान हमारे खाते में 3 लाख रुपया वहाँ के दिखा रहा है। 3 लाख रुपया रियाल या इंडिया का? हाँ, हमको पता नहीं वहाँ का। अच्छा। पता नहीं वो कैसे रुपया हमारे खाते में आया, इसी के वजह में वो हमको वहाँ बंद किया हुआ है। अच्छा। रो रो कर लगा लगा कहने, हम एक दिन रवि से कहे 3 लाख रुपया अगर रियाल उनके अकाउंट में आता है तो क्या सरकार वहाँ की जाँच करा कर पता नहीं कर सकती? इनके खाता में 3 लाख रियाल दुबई का दिखा रहा है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। इसके लिए इनको जेल में रखा गया है और पूरा पता लगा रहे हैं ये 3 लाख रियाल कहाँ से इनके खाता में आया, कौन दिया, इसके लिए इनसे पूछताछ कर रही है पुलिस दोस्तों। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, दुबई का कानून तो बहुत ज्यादा टाइट होता है दोस्तों, तो वो लोग तो एक ही दिन में मालूम कर लेंगे कि ये पैसा इनके खाता में कहाँ से आया है या कौन भेजा है। लेकिन ये क्या बात है, हकीकत हमको भी नहीं मालूम और ये घर वालों को भी नहीं मालूम इनके खाता में कहाँ से 3 लाख रियाल आया। और हकीकत दो ही आदमी को मालूम होगा, ये जो भाई जेल में बंद है उनको या वहाँ के सिस्टम को कि इनके खाता में 3 लाख रुपया कहाँ से आया होगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ दोस्तों कि ये भाई जल्द से जल्द अपने परिवार के पास आ जाए इंडिया, क्योंकि भाई किसी का भाई या बेटा जब बाहर में आके फंस जाता है ना, तो घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है दोस्तों, ये मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। और आप लोग के साथ कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला फ्रॉड किया है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो कि मैं उस ऑफिस वाले का या उस एजेंट के बारे में लोगों को बताऊं कि और भाई उस ऑफिस पे जाके उनके साथ फ्रॉड ना हो सके दोस्तों। और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों कि मैं ऐसे ही फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ में वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।